बालों में क्या करें, बाल जड़े हैं, बाल जड़े हैं, बाल जड़े हैं। अब पेड़ है, अगर उसको जड़ों में न्यूट्रिशन ना मिले, शुद्ध पानी ना मिले, शुद्ध खाद ना मिले, तो क्या होता है? उसके पत्ते मुरझाने और टूटने शुरू हो जाते हैं। बस जब हमारे शरीर को, पेट को पूरी तरह न्यूट्रिशन पेट में नहीं जाता, तो वो न्यूट्रिशन हमारे बालों तक नहीं पहुंच पाता, बाल हमारे सूखने शुरू हो जाते हैं। जब सूखने शुरू हो जाते हैं तो फिर वो टूटने शुरू हो जाते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है कि जिन चीज़ों में न्यूट्रिशन होता है बालों का, वो भोजन आपको खाना है। आप लोगों को सलाद के साथ ई विटामिन जो तेल होता है, बादामों में तेल होता है, अखरोट में तेल होता है, तिलों में जो तेल होता है, वो चिकनाई जो है वो आपके बालों को मजबूत करती है। नारियल की गिरी, सलाद के साथ नारियल की गिरी खाइए, बादाम खाइए 8-10, दो अखरोट खाइएगा, डेली रूटीन से खाइएगा, रोज पेट भर के खाइए। उसे हो सका तो दो टाइम खाओ, ज़्यादा बाल डरते, दो टाइम खाओ। और कोई भी शैम्पू साबुन लगाना बालों को, शरीर को पूरी चमड़ी पे बंद कर दीजिए। कोई भी शैम्पू साबुन बाजार का नहीं लगाना। बाल धोने हैं, जो चीज़ खाई नहीं जा सकती वो चीज़ शरीर की चमड़ी पर भी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि चमड़ी भी हमारी उसको खाती है। अगर हम लोग ऐसी चीज डालते हैं जो हम खा नहीं सकते, उसको चमड़ी पे लगाते हैं, तो वो हमारी चमड़ी को नुकसान देती है। बालों में भी वो जो चीज़ खाई नहीं जा सकती, उससे आप लोग ना तो धो ना लगाओ। नारियल का तेल लगाओ बालों में, बादाम का तेल लगा लो, महंगा लगाना है ज़्यादा ही ज़्यादा। उसके तेल से जड़ों में अच्छी तरह मालिश कर लीजिए, प्याज के रस मालिश कर लीजिए, प्याज का, अदरक का रस से मालिश कर लीजिए, उससे काफ़ी बाल मजबूत हो जाएंगे, झड़ेंगे नहीं। और जब आप सलाद के साथ ये खाएंगे, बादाम खाएंगे, अखरोट खाएंगे, उससे ई विटामिन धीरे धीरे, और बादाम भी जो है वो साबुत लीजिएगा, गिरी वाले बादाम बाजार से मत लाइएगा, उसमें तेल नहीं होता। अगर बादाम भी खाते हैं तो उसमें तेल होना चाहिए। जो बाजार से गिरी वाले बादाम होते हैं उसमें तेल सूख भी जाता है, और कुछ वो मशीनों से निकाल भी लेते हैं, इसलिए वो बादाम बेकार होते हैं काम के। ताज़ा बादाम आपको तोड़ करके वो बादाम आप लोग खाइएगा, वही अखरोट भी खाइएगा, उससे आपके बाल जो है धीरे धीरे करके हो जाएंगे। धोने के लिए आप आंवला को भिगो दीजिएगा अच्छी तरह, उससे पानी से धो लें, या रीठा आप भिगो दीजिए, उबाल लीजिए रीठा, उबाल करके डिब्बे में डाल के रख लीजिए, थोड़ा सा रीठे का पानी डालिए, थोड़ा सा ताज़ा पानी डालिए, उसको धो लीजिएगा, उससे धो जाएंगे बाल, एकदम मुलायम भी हो जाएंगे। इन चीज़ों से आप अपने बाल धो सकते हैं, और आपके बाल धीरे 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 जैसे जैसे पेट में जाएगा न्यूट्रिशन यहाँ तक, तो टूटने बंद हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे। सारा शरीर में बल्कि मजबूत हो जाएगा सारा शरीर ही। अगर इसके साथ साथ थोड़ा सा आप ये एक्सरसाइज कीजिए कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे दिमाग तक, अगर आप शीर्षासन कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते शीर्षासन तो ये आसन आप कीजिएगा। इस पर कार से बैठ करके ऐसे ये आसन आप 5-10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आप जितना कर सकते हैं उतना टाइम कीजिए। हमारा सिर नीचे होना चाहिए, नितंब ऊपर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि खून का जो बहाव है वो हमारे मस्तक की ओर चला जाए, ब्लड का जो बहाव है खून मस्तक की ओर जाए। जब वो मस्तक की ओर खून जाएगा तो वो हमारा खून हमारे न्यूट्रिशन भी यहाँ पहुँचाएगा बालों में, ज़्यादा पहुँचाएगा नॉर्मल से ज़्यादा। अभी तो हम लोग सीधे बैठे हैं तो थोड़ा सा जितना ब्लड पंप करता है उतना ही ब्लड सर्कुलेशन यहाँ जाता है, कुछ उम्र के हिसाब से ब्लड भी कम जाने लगता है, कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उम्र भी हमारी 40-50-60 साल की उम्र हो गई है, कमज़ोर हो जाए। इसलिए थोड़ा उसको मदद करने के लिए सिर नीचे थोड़ा करें, नितंब ऊपर रखें, इस प्रकार ढलान में 15-20 मिनट आधा घंटा बैठिए। इससे आपकी आई साइट भी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से खून आँखों में भी जाएगा, इसलिए आपकी आँखों को भी ताकत देगा, बालों को भी जाएगा, बाल भी ताकत बढ़ेगी, याददाश्त शक्ति भी बढ़ेगी।
इसीलिए आपके मस्तक के जितने भी अंग हैं उन सब में ताकत आ जाएगी और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये चश्मा आपका उतरना चाहिए, चश्मा सबका उतरना चाहिए। आप ये करेंगे तो चश्मा भी उतर जाएगा, धीरे धीरे करें।